दोस्तों नमस्कार, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। एक छोटी सी विवेचना, मस्तिष्क और मानसिक रोग, चिंतामग्न होना, मानसिक कष्ट जिसे इंग्लिश में ब्रूडिंग और ग्रीफ कहते हैं, किसी कार्य में सफल न मिलने, अपने परिवार के बारे में सोचने, रोग उत्पन्न होने और किसी अन्य कारणों से दुखी रहने से व्यक्ति चिंतित हो जाता है। चिंता का मूल कारण आत्मविश्वास की कमी और अपने आप पर विश्वास न होना। जब किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो मानसिक तनाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। यदि मनुष्य किसी चिंता या परेशानी से घिरा हुआ हो तो उसे परेशानी या चिंता को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति को अपनी चिंता और परेशानी को अपने दोस्त या रिश्तेदारों को या अपने नज़दीकियों को साझा कर लेना चाहिए। ऐसा करने से दोस्त व रिश्तेदारों के द्वारा दिलासा मिलने से रोगी को मानसिक परेशानी व चिंता दूर होती है। होम्योपैथी में मानसिक परेशानी के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन हम कुछ यहां पे चुनिंदा दवाइयों के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि पहली दवाई है नक्स भूमिका। यदि रोगी को अधिक चिंता हो रही हो, वो चिंता में डूबा रहता है, अपने बिजनेस या कोई भी कार्य करने में मन न लगा पा रहा हो, अपने कार्य के बारे में हर वक्त सोचता रहता हो, तो ऐसे रोगों का उपचार करने के लिए नक्स भूमिका औषधि की 30 की पुटेंसी को 2 से 4 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 4 से 5 बार देना चाहिए या उन्हें फिर लेना चाहिए। इग्नेशिया एक बहुत ही अहम दवा। अधिक भावुक होने के कारण रोगी को अधिक चिंता हो रही हो और ऐसा सोच रहा है कि अब क्या होगा और यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। रोगी इस प्रकार की सोच में पड़ा रहता है। इस प्रकार के कष्ट रोगी में किसी भी प्रकार का दुख व चिंता का कारण हो सकता है। रोगी आहें भरता है। ऐसे रोगी की रोग को ठीक करने के लिए इग्नेशिया औषधि की 200 की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इससे कम से कम दिन में 2 बार दें। यदि रोगी कभी हंसता हो तो और कभी रोता हो और हिस्ट्रिया जैसे लक्षण भी हो और सोच बदलता रहता है, परस्पर विरोधी स्वभाव का होना, आंखों में आंसू भरे रहना, एकांत में बैठे रहना तथा इससे कष्ट होना या कष्ट सहना, मुसीबत आने पर गमहीन होना, आहें भरना और सुर्खियाँ लेना इत्यादि इसके लक्षण हैं, तो इसमें इग्नेशिया औषधि की 200 शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसे दिन में कम से कम 2 से 3 बार दें। फास्फोरिक एसिड। यदि रोगी अपने हालात को सोच सोच कर दुखी है और किसी मानसिक आघात मेंटल स्ट्रेस से पीड़ित है तो उसे अधिक निराशा हो रही हो या फिर प्रेम में ठुकराए जाने के कारण अधिक हताशा तथा चुपचाप पड़ा रहता है तो रोगी को ठीक करने के लिए एसिड फॉसफोरिक की 6, 12 या 30 की पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी एक पोटेंसी, कोई भी एक पावर। यदि रोगी को मानसिक दुख हाल ही में हुआ हो लेकिन कष्ट पुराना हो, रोगी को अपने जीवन के प्रति उत्साह खत्म हो चुका हो, हतोत्साहित रहे, प्रेमी प्रेम के प्रति निराशा हो चुका हो, ऐसे रोगों के रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड औषधि की 6 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। यदि माँ बाप बच्चे को हॉस्टल में छोड़ देते हैं तब माँ बाप को याद करके चिंतामग्न रहते हों, उन्हें बुखार आ जाता है, शाम के समय पसीना आने लगता है, ऐसे बच्चे के इस कष्ट को दूर करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड बहुत ही लाभकारी होती है। अगली औषधि जो है वो हमारी है नेट्रम्यूर। यदि रोगी को मानसिक कष्ट पुराना हो तो उसके रोग को उपचार करने के लिए नेट्रम्यूर औषधि की 30 या 200 की पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। 30 को दिन में कम से कम 3 बार दें और फिर या फिर 200 की पोटेंसी को 2 बार दें। इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगली औषधि जो है वो है हमारी मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का औषधि मानसिक आघात या फिर मानसिक बेचैनी के कारण उत्पन्न कष्ट को दूर करने के लिए
मैग्नीशियम कार्ब औषधि की 200 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इस औषधि का प्रयोग प्रति 4 घंटे पर करना चाहिए। यदि मानसिक आघात से या नर्वस स्ट्रेन से कब्ज की समस्या हो तथा चिंता भी हो तो इस औषधि से उपचार करना चाहिए। एरममेट औषधि में रोगी जो है आत्महत्या करने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसे रोग को ठीक करने के लिए एरममेट औषधि 200 की पोटेंसी दिन में कम से कम 2 बूंद करके दिन में 3 बार दें, सुबह में, दोपहर में, रात में। इससे काफ़ी हद तक जो है आराम मिलता है। आशा है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया इसे अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें। जय हिंद। नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।